हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एंड गाइस, अभी जो है मैं छत पर आया था और अभी मॉर्निंग के मतलब 8:50 हो रहे हैं। ओके, अभी मैं आया था, फ़ोन चार्ज में लगाया है, देखो छत पर आने का रीज़न ये। और ठंड देख सकते हो भाई कितनी ज़्यादा हो रखी है। फिर दोबारा 2-3 दिनों से भाई धूप नहीं दिख रही और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। बिकॉज मैं जा रहा हूँ आग जलाने, क्योंकि सोचा थोड़ी देर आग के पास बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। बिकॉज मैंने लकड़ी उकड़ी तो सब तोड़ दिए, बस तसले में रखे आग लगाते हैं आराम से। इसमें लगा देंगे, पन्नी भी ले आया हूँ, 2 पन्नी लेकर आया हूँ, कि बिना पन्नी के तो आग लगती नहीं है भाई। चलो पहले आग लगाते हैं गाइस, ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आग तो लग गई, बढ़िया लगी है भाई आग भी, एक बार मैं लगा दी। फन्नी से भाई बहुत जल्दी आग लगती है, देख सकते हो अंदर ही अंदर आग लग रखी है, हवा चल रही है ना, इस वजह से बहुत बढ़िया आग लग रही है। अभी जैसी लकड़ी में लगेगी इतनी तेज़ गर्मी होने वाली है मेरे अगल बगल, मज़ा आ जाएगा भाई। एंड पता नहीं क्या उड़ने लग गया काला काला इतना सारा, जबकि मैंने ऐसा कुछ धरा भी नहीं अंदर। चलो कोई नहीं, आग तो लगी गई, अब आराम से भाई हाथ गर्म करेंगे। ठंड भाई काफ़ी ज़्यादा हो रखी है रियली में, 1-2 दिन से भाई बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। अब तो मुझे भी ठंड लगती है, पहले नहीं लगती थी, बट अब मेरे को भी लगने लग गई, मौसम ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं। तो हम मम्मी जी खाना बना लिए गाइस, आज जो है दाल चावल बने हैं। और भैया यहाँ पे अपना न्यू हेडफोन में सनी क्या देख रहा है, सुन रहा है। और हमने जो है आग वाग सब हाथ वाथ सब सेक लिए और आग भी पूरी बुझ गई है, बट रंजन और सूरज अभी भी वहीं बैठे हैं तसले के पास ही। मैं सोचा हम नीचे चलते हैं, थोड़ी देर नीचे बैठेंगे, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, तो उस आग का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हाथ तो गर्म हो रहे हैं पर पीछे से पूरा ठंडा रहता है, तो इस वजह से मैं नीचे आ गया। बाकी अपना थोड़ी देर अभी काम वाम भी कर देते हैं, निपटा देते हैं सारा। और मामा नहीं है तो भाई पूरा बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा कुछ है। मामा रहते तो अभी मैं नीचे बैठ रहा था, उनके साथ ही लेट रहा था, साथ में एक ही सोफे पे दोनों लेट रहते थे, टीवी देखते रहते थे। एंड वो तो चले गए गाइस कल ही, और वो यार ट्रेन में बैठे भी आज और रहेंगे ट्रेन में, और कल भी रहेंगे ट्रेन में, और 19 को उतरेंगे, आज 18 ना, कल गाइस कल उतर जाएंगे वो। और मतलब दो रात, आज कल रात चला गया पूरा, और आज भी पूरा दिन और आज पूरा रात, ठीक है गाइस। और कल जो है सुबह 12-1 बजे तक, 2 बजे तक उतर जाएंगे। एंड क्योंकि बैंगलोर गए हैं भाई, बहुत दूर होता है यहाँ से बैंगलोर, आप ही समझ जाना दिल्ली से कितना दूर है। और भैया भी अभी आया सुबह, जस्ट हम सब सो के जस्ट उठे थे तो वो आया, क्योंकि मैं रात को वहीं रुक गया था, स्टे कर गया था। वो जहाँ पे स्टेशन है ना, वहीं हमारे मौसी का घर है, मतलब जो नंदन भैया जो है ना जो आते हैं यहाँ पे, उनका वहीं पे घर है, तो वो वहीं रुक गया था, फिर आज सुबह उठ के आया है। बट चलो कोई नहीं, अपना सारा काम निपटा लेते हैं, मामा को तो जाना ही पड़ता क्योंकि जॉब करनी थी, जॉब पे गए हैं वो। बाकी सारे काम वाम कर रहे हैं, मम्मी जी तो खाना खाने जा रही है, लंच का भी टाइम होने वाला है, 11 बज गया है, सूरज भी वहाँ खा रहा है। अभी नहीं खा रहा मैं, काम वाम करके खाऊंगा मैं तो आराम से। तो काम वाम तो कर लिया सारा, एंड अब जो है मैं लंच कर रहा था, तो आज जो है लंच में दाल चावल बने हैं और भुजिया है। एंड सूरज यहाँ पे पबजी खेल रहा है अपने न्यू हेडफोन को लगा के, देख सकते हो कितने ध्यान से खेल रहा है ये, पूरे इतना बड़ा तो है गाइस, जिसके पूरे सर में ऐसा लगता है दो सींग लगा दियो भैंस की, भैंस तो है ही, भैंस की सींग और लगा दी दो, ये देखना कितना बड़ा है, एक इसमें माइक और दे रखा है। सो गाइस, अभी छत पर आया था मैं, एंड बाकी यहाँ पे सूरज भी है, रंजन भी है, रंजन वीडियो बना रहा है पता नहीं कोई सी। बाकी अभी कबूतर खोलने का टाइम हो गया इसका, इसलिए आ गया। बाकी आज धूप भी निकली है सुबह से, और हवा काफ़ी ज़्यादा तेज है गाइस। बिकॉज भैया भी आ गया नीचे, वो खड़ा वहाँ पे काम देख रहे हैं, कल काम कर रहे हैं ना। शाम हो चुकी है एंड कबूतर खोलने जा रहे हैं, सब आ गए हैं तांची वांची, एंड मैंने अपने कबूतर का दाना दे दिया है इसमें, वो लड़ रहे हैं। तो रंजन भाई आधा दाना तो तांची खा जाता है, सही में दिखता है वीडियो में, तू ऐसे ऐसे खाता रहेगा दाना मारेगा, यूँ कहते हैं भाई तांची तुम्हारा सगा भाई है। तो ये कबूतर खोलने जा रहे हैं अब, इनका टाइम हो गया ना, क्या कह रहे हैं कि मैं दाना खाया तो? मैंने खुद देखा है, मैंने खुद देखा तुझे वीडियो में, मेरे आ जाते क्या हुआ पापा का फोन कर ले, पापा को कर रहा हूँ अभी, तो पापा जी का तो कॉल कर दी, वो आ रहे हैं। एंड बाकी रंजन रंजन तो अभी तक छत पर ही है सारे, इनके लिए जो है गर्म पानी करना होगा, गर्म पानी कर देते हैं, कबूतर को पानी देना होगा ना गर्म, उसमें पानी थोड़ा सा और भर के ऊपर दे आते हैं उनको गर्म करके रोड लगा के। सो गाइस, अभी जो है अपनी फ्रेंड के दुकान पर आए थे शॉप पर, जो चली आती है भाई, हाँ कल जो है मैं कपड़े लेके आऊँगा यहाँ पे भाई, ठीक है, 2 शर्ट 1 पैंट सिलवाने के लिए, फिटिंग के लिए सिलवाने के लिए, फिटिंग में कराता हूँ क्या कभी,
काम वो तो दिख रहा है कितना काम है यहाँ। इसके अंदर भी अभी गेट नहीं बंद हो रहा होगा। हाँ कह रहा काम नहीं है। कल से ही तो काम आया, तो तुम्हें खाली था सच में। खाली थे? तीन चार दिन से खाली बैठा हुआ था। दुकान क्यों नहीं खोल लेते? मैं रोज आता था चक्कर लगाने। कल तो रही थी। कब? कल भी आया था मैं। कल तो खुली थी। बंद कर देता मतलब जल्दी तुम। या फिर कितने बजे आया था? शाम को भाई। एंड गाइस आज जो है लिट्टी बन रही है फिर दोबारा। मामा गए थे उस दिन बनाई थी, बट कम बनाई थी सिर्फ मामा के लिए। आज हमारे लिए भी बन रही है। लो ले। क्या कितने रुपए दे रहे? 5 रुपए दे के काम चलाना है। 15 रुपया। हाँ क्या होगा 15 रुपये? 5 और बढ़ा देते। तांजी तांजी तांजी। अरे भाई तुम वो तो तुम्हें जानता हूँ। तांजी 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 तांजी। यहाँ पे आग जला रखी है, इतना धुआं कर रखा है। ओ पापा लाल लाल बना हो, देख रहा है? बना भी दुआ दुका। हाँ तो मैं खाऊंगा। इतना सारा कहाँ ले जा रहा है भाई? चाबी काई चीज की तो मैं खाऊंगा। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? धुआं धुआं कर दे यहाँ पे तो। आग जला के खाना बनाया जा रहा है, बताओ। इतनी ठंड हो रही है इनके लिए। कुछ भी नहीं हुआ। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है मनीष? अच्छा लग रहा है। इसको कहते हैं लिट्टी। लिट्टी कहते हैं इसको, लिट्टी। कच्चा तो ना है? कच्चा तो नहीं है, मजा आ जाएगा आज खाएंगे। तो फाइनल गाइस मैंने जो है डिनर उनर सब कम्प्लीट कर लिया। एंड मम्मी जी भी सोने लग गई है, यहाँ पर लेटी हुई है। एंड पापा जी भी नीचे हैं, सब नीचे हैं। काम वाम सब खत्म। मम्मी ने बर्तन वर्तन सब धो लिए हैं। और आज डिनर में आपको पता ही क्या था? लिट्टी था, तो वो भी हमने खा लिया। और भाई मुंह दर्द हो गया मेरे को खाते खाते ही। ठीक है? हाँ मुंह में दर्द हो गया सही में भाई। मैदे के चीज़ था, चबाए जा रहा चबाए जा रहा चबाए जा रहा। बट कोई नहीं, पेट थोड़ा खाली है लेकिन सो जाएंगे आज। ऐसी मैं नहीं खा रहा। चलो गाइस इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं फिलहाल। आई होप गाइस कि व्लॉग में मजा आया होगा। व्लॉग में मजा आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। एंड जल्दी मिलते हैं कौन है इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। पैसे बंद कर ले भी, दिमाग मत खराब करे भी। सुमना कर दो मेरे सामने बार बार कैमरा ना लाएगा। मैं खाना खा रहा हूँ।